दोस्तों, इंसान की मृत्यु या मौत हमेशा से ही रहस्यमय पहेली रही है। कुछ लोग मृत्यु को जीवन का अंत मानते हैं तो कुछ लोग नए जीवन की शुरुआत, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी मौत से डरते हैं। कुछ विद्वान तो मृत्यु को सभी डरों का स्रोत मानते हैं। शायद इसी वजह से मृत्यु के बारे में कई तरह के बातें और अंधविश्वास पैदा हुए हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मृत्यु से संबंधित कुछ अंधविश्वास और विश्वास जो भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल वाली घंटी दबा दें ताकि इस चैनल में आने वाले रहस्यमय और अद्भुत जानकारी वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। पहले नंबर में आता है मृत्यु वाले घर में खाना न बनाना। दोस्तों, भारत के कई हिस्सों में मृत्यु वाले घरों में कुछ निश्चित दिनों तक खाना नहीं बनता है। पड़ोसी अपने अपने घरों से खाना बनाकर लाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अपने प्रियजन की मृत्यु होने पर किसी का मन खाने पीने में नहीं करता है, ना ही खाना बनाने में। पड़ोसी इसमें मदद करते हैं जो कि सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। अगले नंबर में आता है अंतिम संस्कार के बाद शुद्धिकरण करना। भारत के कई ऐसे छोटे छोटे गाँव हैं जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार में कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उसे अछूत माना जाता है, जब तक वो नहा धोकर नए वस्त्र नहीं पहन लेता है। यहाँ तक कि घर वाले भी उसे छूने में परहेज करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह प्राचीन काल में किसी मृत व्यक्ति को छूत बीमारी से मौत होने के दुष्प्रभाव से बचने के लिए की थी, जो आज भी वैसे ही जारी है। भले ही किसी स्वस्थ व्यक्ति की मौत अचानक कोई दुर्घटना से हुई हो, लेकिन अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद हम बिना नहा धोकर प्रवेश नहीं करते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। भारत के कुछ हिस्सों में रात में कुत्ते या बिल्ली के रोने को मौत का संकेत के तौर पर देखा जाता है। लोगों का मानना है कि कुत्ते वह देख पाते हैं जो मनुष्य नहीं देख पाते हैं, जैसे यमदूत। वैसे कुत्ते अक्सर कुछ खास वजह से रोते हैं, जैसा कि दर्द के स्थिति में हो या फिर ससर्ग काल में बंधे कुत्ते। वैसे माना जाता है जानवर की छठी इंद्री के द्वारा वह देख सकता है जो मनुष्य नहीं देख पाते। फिर भी कभी कुत्ते को रोते हुए आसपास में देखते हैं तो हमें लगता है कि आसपास में किसी व्यक्ति का मौत होने वाला है, लेकिन सच बात यह है कि कुत्ते अपने शरीर के किसी हिस्से का दर्द के वजह से भी रोते हैं। आंखें खुली होना। दोस्तों, आपने बहुत सारी सीरियल या फिर फिल्मों में देखा होगा जब लोग मरने की एक्टिंग करते हैं तो आंखें खुली रखकर लोगों को यह दिखाते हैं कि वो मर चुके हैं। असल में यह बात अंधविश्वास ही है। यह जरूरी नहीं कि जब व्यक्ति की मौत हो तो उसकी आंखें खुली ही हो। बात तो जो भी हो, लेकिन मरे हुए व्यक्ति की आंखें खुली रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, एक और अंधविश्वास यह भी है कि अगर आप कब्रिस्तान या शमशान के पास से गुजर रहे हैं तो उस समय अपनी सांस को रोके रखना चाहिए जब तक आप कब्रिस्तान से गुजर नहीं जाते। ऐसा समझा जाता है कि कब्रिस्तान के आसपास मरे हुए लोगों की आत्माएं होती है, और अगर आप कब्रिस्तान के पास सांस लेते हुए जाएंगे तो कोई आत्मा आपका शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। क्या आपने कभी ऐसा किया है जब आप शमशान या कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हो तो आप अपना सांस रोक के रखे हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मृत व्यक्ति के कब्र के ऊपर फूल क्यों रखे जाते हैं? इस बात पर लोगों के पास कोई तर्क नहीं है। सैकड़ों साल पहले जब मृत लोगों के शरीर को कब्र में न रख कर खुले में रखा जाता था तो उनके पैरों से आने वाली गंध को रोकने के लिए उनके ऊपर फूल रखे जाते थे, लेकिन आधुनिक युग में शरीर को बक्से में रखा जाता है जिससे मृत व्यक्ति के शरीर से गंध नहीं आती। लेकिन लोग आज भी अंधविश्वास के कारण कब्र पर फूल रखते हैं। यह माना जाता है कि मरने के बाद लोगों की आत्मा ऊपर जाती है। अगर अंतिम संस्कार वाले दिन बारिश हो रही हो तो वह इस बात पर मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए शुभ संकेत नहीं मानते हैं। वहीं दूसरे ओर कुछ लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। आपका क्या राय है, अंतिम संस्कार के दिन बारिश होना शुभ है या अशुभ? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। दी गई जानकारी कैसा लगा आप हमें अपना सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।